झाबुआ जिले में पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने अवैध शराब से भरा 8 ट्रक पकड़ा है, जिसकी कीमत करोड़ों की बताई गई। आबकारी विभाग को सूचना मिली और इन 7 शराब से भरे ट्रकों की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, जिसमें लगभग 15 करोड़ की लागत की हाई रेंज इंपीरियल ब्लू शराब भरी थी। फिलहाल कार्रवाई को लेकर असमंजस की स्थितियां हैं। आबकारी विभाग के जिम्मेदार सभी ट्रकों का परमिट रिन्यूअल करने की बात पर जोर देकर मामले में टाल मटोल कर रहे हैं। पुलिस 1 ट्रक का माल जब्त कर कार्रवाई कर चुकी है, वहीं अन्य 7 ट्रकों के माल का परमिट समय सीमा समाप्त होने की बात कही जा रही है। बताया भी जा रहा है कि ये शराब ग्वालियर से गुजरात के रास्ते दमनदीप ले जाई जा रही थी। कि चेकिंग के दौरान कुछ शराब की गाड़ियां यहां पर पकड़ी गई हैं और जिनके कागज चेक करते हैं उनका जो परमिट था वो खत्म हो चुका है, इनवैलिड है, तो अब उन पर कार्रवाई की जानी है। इससे संबंधित चर्चा नहीं हुई कि क्या कहानी है, यह परमिट एक्सटेंड होने की कार्रवाई होगी। अभी हम इसका परमिट इनके लिए पूरा सत्यापन करेंगे, पूरी नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। जी प्राप्त हुआ है, उसके हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके उसका समय अवधि बढ़ाई जाएगी।